पोहा और आलू का नाश्ता बन के तैयार है। काफी टेस्टी नाश्ता बना है और बहुत ही जल्दी बन जाता है, जब चाहे आप इसको बना के खा सकते हैं। और काफी कुरकुरा और अंदर से उतना ही, ऊपर से कुरकुरा है और अंदर से उतना ही सॉफ्ट बना हुआ है। चलिए बनाते हैं नाश्ता। नमस्कार, आज पोहा का नाश्ता बनाएंगे। इसके लिए मैं एक कटोरी पोहा लेके धो के और रखती हूँ 10 मिनट। इसको इस तरह से नरम हो गया है, बहुत ज्यादा इसको फुला के नहीं रखना है। उबला हुआ आलू है, 2-3 आलू डाल देंगे। ये 2 से 3 लोगों का नाश्ता बनेगा। थोड़ा सा प्याज काट ली हूँ छोटे टुकड़े में, डाल देंगे। एक हरी मिर्च है, थोड़ी सी कसूरी मेथी है, थोड़ा मिर्च पाउडर है, चाट मसाला, थोड़ा तीखा मिर्च है। चटपटी बनानी है अपने को, नमक स्वाद के अनुसार। नींबू डाल देंगे, थोड़ा सा आलू का सेव है भुजिए, सभी को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अच्छी तरह से मैश हो गया है इसका, इस तरह से हम बना लेंगे। सभी को बना लेते हैं। सारे बोल बन के तैयार हो गए हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल रखेंगे, चाहे तो आप इसको सेक के खा सकते हैं, क्योंकि सभी चीजें पकी हुई है। और अगर तलना है तो थोड़ा सा आरा रोटली हूँ मैं तल के बनाते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, पतला घोल बना लेंगे। आप इसकी जगह पे मैदा ले सकते हैं और ब्रेड क्रम्स ले सकते हैं। अगर ब्रेड नहीं है तो ये सिंग दाना है, इसको मैं बारीक पीस ली, थोड़ा दरदरा है, बहुत बारीक भी नहीं है। इसमें हम इसे डुबा के इस तरह से कुट कर लेते हैं। तेल गरम हो रहा है, तल लेते हैं। गैस का फ्लेम तेज है, अच्छी तरह एक तरफ पक जाएगा, फिर इसको हम पलट लेते हैं। बहुत ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि सारी चीजें पकी हुई हैं। बहुत अच्छा बन गया है। दूसरा भी हम इसी तरह से कर लेते हैं। दूसरा भी बन गया है, निकाल लेते हैं। बनकर तैयार हो गया सारा नाश्ता। देखिए कितना अच्छा बना है। अंदर से उतना ही अच्छा है, ऊपर उतना कुरकुरा है।
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।